स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल समझ आया क्या पे। दोस्तों मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार है, सत श्री अकाल है और आदाब से। फिलहाल हम बात करने वाले हैं आज एक बुक को लेकर। ये बुक है पंजाब एंड हरियाणा की, जो अभी हाईकोर्ट की एक वैकेंसी आई थी क्लर्क की, उसको लेकर फिलहाल मैं इसका एक रिव्यू करने वाला हूँ। तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों ने अप्लाई किया है, तो भाई ये बुक क्या आपके लिए फायदेमंद रहेगी या नहीं रहेगी, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो इसको मैं ओपन करके सारा कुछ दिखाऊंगा आपको, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, उसके बाद डिसीजन आपका, एग्जाम आपने देना, तैयारी आपने करनी। अच्छी लगे तो बाय कीजिए और अच्छी ना लगे तो बिल्कुल भी बाय मत कीजिएगा। एक मैसेज देना चाहूंगा, याद रखिए एक बुक से कभी भी आप पढ़ के कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकते। कम से कम भी आपको 5 से 6 बुकों को जो है रीड करना होगा, एनालिस करना होगा, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं इसके रिव्यू की तरफ। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप किस बुक का रिव्यू करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये है वो बुक जो मैं आपको बता रहा था, तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, रिक्रूटमेंट एग्जाम बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, ठीक है। इसमें आपको जो मिलेगा लेटेस्ट मॉडल सॉल्व पेपर मिल जाएंगे और स्टडी मटेरियल एंड बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस, यानी कि जो चीज मिलेगी वो भाई लेटेस्ट जो अभी का सिलेबस है उसके बेसिस पे ही मिलेगी और 2019 का ही रिवाइज एडिशन आप इसे कह सकते हो। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं इस चीज के लिए। तो आप लोग अगर इसमें देखते हो तो ये जो कंटेंट का पेज है इसे ध्यान से देखिए, यही है जो चीजें आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप सोचते हो कुछ एक्स्ट्रा तो भाई वो चीज नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो मॉडल सॉल्व पेपर फॉर क्लर्क पोस्ट इन हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, यही वैकेंसी के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया था। इसमें आपको जनरल नॉलेज में याद रखना ऑब्जेक्टिव टाइप सारा कुछ मिलने वाला है। अगर आप सोचते हो डिटेल में तो वो नहीं है, मतलब 150-200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हर चैप्टर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल क्वेश्चंस आंसर एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, यानी कि वो आंसर है उसमें थोड़ा हिंट देख के ये आपको समझाएंगे कि वैसा क्यों था क्यों नहीं, ठीक है। मतलब कि उससे जुड़ी हुई चीजें को बारे में भी आपको बताने की कोशिश की हुई है। बाकी आपको हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस। तो आप देख सकते हो तकरीबन 10-10 पेज, 7-7 8-8 पेज के ये हर चैप्टर है। तो आप ये कह सकते हो कि यार 100 से ऊपर ही आपको हर चैप्टर में ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं, तो वो हम देखेंगे भी आगे। सेक्शन जनरल इंग्लिश में आपके जो टॉपिक कवर होंगे, क्लास करेक्शन के अंदर सनम्स मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, सॉरी क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेटरी आंसर्स आपको मिल जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव है, सनम्स है, एंटम्स है और फिलिंग द ब्लैंक्स है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस है और क्लोज टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए मैं ये चीजें आपको आगे से दिखा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें जो चीजें हैं भी या फिर नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको भाई ये कोर्ट पंजाब हरियाणा मॉडल सॉल्व पेपर एक मिल जाएगा, पार्ट 1 करके ये है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव जर्नल आपके आ जाएंगे, मॉडल क्वेश्चंस हैं ये भी, चलो इसके भी आगे चले जाते हैं हम। और ये देखो, समझो ये देखो आंसर आगे दिए हैं, 100 क्वेश्चन के आंसर हैं, तो मतलब 100-100 तो हम कह ही सकते हैं। तो ये भी आगे यूनिट हम चलते हैं और देखते हैं ये कौन सा यूनिट है, मुझे कोई यूनिट देखने दीजिए। चलिए ये सनम्स इंग्लिश का है, ठीक है। तो इंग्लिश में देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाया भी गया है और उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस हैं वो मिले हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप दे दिए गए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में एक्सप्लेन भी किया गया है। तकरीबन यही चीजें हैं, जैसे ये देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है, ऊपर थोड़ा सा बताया है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस जो हैं आगे देखने को मिलेंगे। तो आप कह सकते हो देखो 105 आंसर, 100-100 क्वेश्चन, 90-90 क्वेश्चन, 150-150 क्वेश्चन आपको हर यूनिट में देखने को मिलेगा। तो तकरीबन दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि यही चीजें हैं जो इसके अंदर आपको मिल रही हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ यार चलो तैयारी करने के लिए ठीक है, थोड़ा और भी हम तैयारी करेंगे, थोड़ी गाइडेंस हमें मिल जाएगी, तो आप इस बुक को ले सकते हो। इसका जो प्राइसिंग है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ध्यान से कि 135 रुपीज समथिंग है इसका बुक का कोड है। और बाकी ये जो नंबर आप देख रहे हो इनके ऊपर आपको कॉल करके अपनी बुक अगर मंगवानी है तो वो मंगवा सकते हो, व्हाट्सएप आप इन्हें कर सकते हो। तो ये नंबर आप अपने पास नोट कर लीजिए, वीडियो को मैं पेज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल ब्राइट बुक ऑफ पब्लिकेशन मार्केट में भी लेना चाहे तो भाई ले सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि भाई कोई भी बुक आपको एग्जाम नहीं पास करवा सकती, ये चीज़ याद रखना। एक बुक से आप कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकते हो, कम से कम आपको 3 से 4 बुक्स को रीड करना होगा, उसका मटेरियल जो है कंबाइंड करके पढ़ना होगा, तब जाके एग्जाम्स क्रैक होते हैं। 3-4 भी नहीं, मैं तो कहता हूँ 10 बुकें आप पढ़ो हर एग्जाम के लिए, तब जाके आपके एग्जाम जो है वो क्रैक होंगे। तो मेहनत करना बहुत जरूरी है भाई, एक बुक के ऊपर भरोसे मत करिए, इससे भी ज़्यादा आपको बुक्स पढ़नी है। तो फिलहाल ये एक मैंने छोटी सी बुक आपको बताई है, आपकी मर्जी है तो लीजिए, पैसे आपके हैं, तैयारी आपने करनी है। मैंने सिर्फ एक रिव्यू किया है जिसमें आपको एक बुक के बारे में बताने की
कोशिश की है। आपको मटेरियल अच्छा लगे तो जरूर बाय कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इनके व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे, वैसे तो मैंने स्क्रीन के ऊपर भी आपको बता दिए हैं। मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, समझ आया क्या।